स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। भारत भूमि ऋषियों तपस्वियों की भूमि रही है। समय समय पर महान ऋषि मुनियों ने इस धरती पर तप किए और भारत को अद्वितीय गरिमा प्रदान की। विश्व में यही ऐसा देश है जो के मंत्र तथा जप के लिए जाना जाता है। अनेक मंत्र हैं यहाँ और मंत्र जप हमारी सनातन धार्मिक परंपरा भी रही है। अभी तक हम मंत्र तथा जपों को ईश्वरीय साधना का केवल एकमात्र साधन ही मानते रहे हैं, किंतु ये मंत्र अपने आप में साधना का निमित्त न होकर अपने आप में विज्ञान भी हैं, जो कि मस्तिष्क के अलावा हमारी शारीरिक क्रियाओं को भी प्रभावित करते हैं। गायत्री, गीता, गंगा तथा गौ, ये भारतीय संस्कृति की चार आधारशिलाएं हैं और इनमें सर्वप्रथम स्थान गायत्री का है। इसीलिए गायत्री मंत्र को मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ महामंत्र अर्थात गुरु मंत्र कहा गया है। हिंदू धर्म तथा भारतीय संस्कृति के सभी शास्त्र, सभी संप्रदाय तथा सभी ऋषि एक स्वर में गायत्री की महिमा को स्वीकार करते हैं। गायत्री मंत्र चार वेदों का सार है। इसे जानने से वेद जानने का फल प्राप्त होता है, ब्रह्मदेव। गायत्री के समान चारों वेदों में और कोई मंत्र नहीं। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, सिद्ध की हुई गायत्री कामधेनु के समान है। गंगा शरीर के पापों को दूर करती है। गायत्री से आत्मा निर्मल होती है, ऋषि वेद व्यास। गायत्री साक्षात शक्ति का अवतार है, देवर्षि नारद। वर्तमान शताब्दी के महापुरुष भी गायत्री का वैसा ही महत्व स्वीकार करते हैं जैसा कि प्राचीन काल के ऋषियों ने स्वीकार किया था। गायत्री मंत्र का जप यदि शुद्ध चित्त होकर निरंतर किया जाए तो जप करने वाला रोग ग्रसित ही नहीं होता, उसके समस्त कष्ट भी दूर हो जाते हैं। महात्मा गांधी, गायत्री मंत्र के जप से मैंने वो सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ली जिनकी मुझे आशा भी नहीं थी। रवींद्रनाथ टैगोर, गायत्री युग शक्ति है, अनगण को सुगण बनाने का साधन है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा, गायत्री बुद्धि को काम से हटाकर राम में लगा देती है। स्वामी राम तीर्थ, स्वयं श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से, भीष्म ने कौरव पांडव से इसकी महिमा का गान किया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, गायत्री छंदसामहम, अर्थात छंदों में छंद मैं गायत्री हूं। अर्थात गायत्री वो मंत्र है जिसकी महिमा सबने गाई। गायत्री मंत्र क्या है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? अपने इस गहन प्रश्न का समाधान करने के लिए देवर्षि नारद
भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारायण नारायण, प्रणाम प्रभु। प्रभु आप तो श्रेष्ठतम एवं प्रथम पुराण पुरुष हैं, तथा इस समस्त जगत के आधार हैं। कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। देवर्षि नारद, तुम्हारी चिंता का विषय क्या है? हे देवादिदेव, प्रख्यात है कि श्रुतियां गायत्री से उत्पन्न हुई, कृपया गायत्री की उत्पत्ति बताइए। वेद जननी गायत्री की उपासना सर्वप्रथम ब्रह्मदेव ने की। परमपिता ब्रह्मदेव ने? हाँ नारद, सृष्टि निर्माण से पूर्व। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। मैं समझाता हूं नारद। चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, पानी ही पानी था। तभी मेरी नाभि से कमल नाल प्रकट हुई, ऊपर की ओर उठते उठते जल स्तर तक पहुंची। तत्पश्चात उस कमल पर ब्रह्मदेव प्रकट हुए। वो इस असमंजस में थे कि वो कौन है, ये कमल तथा ये जल कैसा है। तत्पश्चात कमल नाल की ओर छोर जानने के लिए वो कमल नाल में उतरे। अत्यधिक गहराई तक जाने पर भी जब उन्हें उस कमल नाल का छोर ना मिला, तब वो पुनः कमल पर आकर बैठ गए। अंधकार, केवल अंधकार, कुछ दिखाई नहीं देता। चारों ओर अंधकार, कोई बताए मैं कौन हूं? तुम ब्रह्मांश ब्रह्म हो। तुम्हारी उत्पत्ति नार अर्थात जल में सोने वाले नारायण की नाभि कमल से हुई है। आप कौन हैं? पर ब्रह्म शक्ति। आप मेरे सम्मुख प्रकट क्यों नहीं होती? मैं प्रकट हूं, तुम्हारे सम्मुख ही तो हूं। तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? मैं अरूप हूं किंतु सर्वव्यापी हूं। मेरी उत्पत्ति का उद्देश्य क्या है? सृष्टि का निर्माण। परंतु सृष्टि का निर्माण मैं कैसे करूंगा? गायत्री की कृपा से, वही तुम्हें शक्ति तथा युक्ति देगी। गायत्री? गायत्री कौन है? जो परब्रह्म है वही गायत्री है, अर्थात मैं। जो गायत्री है वही परब्रह्म है, गायत्री का जप करो। कैसे? इस महामंत्र द्वारा। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। अब सृष्टि की रचना प्रारंभ करें। तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। विष्णु भगवान से गायत्री की उत्पत्ति के विषय में जानकर भी देवर्षि नारद पुनः अपनी शंका समाधान हेतु महादेव शंकर के पास कैलाश पहुंचे। प्रभु, क्या इसी प्रकार गायत्री की उत्पत्ति हुई? हाँ देवर्षि, इसी प्रकार गायत्री की उत्पत्ति हुई तथा गायत्री मंत्र द्वारा ही ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। तत्पश्चात देवता ऋषि मुनि गायत्री की आराधना करने लगे, इसीलिए इसे ब्रह्म विद्या कहा गया है। प्रभु, इस जगत का तत्व गायत्री ही है? हां मुनिवर, यह गायत्री देवी ही ब्रह्मदेव के माध्यम से इस जगत का सृजन करती है, विष्णु के माध्यम से विश्व का पालन करती है तथा महेश अर्थात मेरे माध्यम से संहार करती है। इस स्वरूप का सुमिरन करने वालों के समस्त पापों का नाश होता है, सारे मनोरथ सफल होकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसका अर्थ यह हुआ प्रभु कि परमपिता ब्रह्मदेव ने गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों को लेकर चारों वेद बनाए। हाँ देवर्षि, प्रत्येक अक्षर एक एक स्वर्ण शिक्षा का प्रतीक है। ओम सर्वव्यापी परमात्मा, भू प्राण स्वरूप, भुव दुख नाशक, स्व सुख स्वरूप, तत् उस सवितु प्रमाश रूप, वरेण्य अपनाने योग्य, भर्गो पाप नाशक, देवस्य दिव्य को धीमहि हम धारण करें, थियो बुद्धि को, यो जो न हम सब की प्रचोदयात प्रेरित करें, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतर आत्मा में धारण करें, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। प्रभु, वर्तमान युग में व्याप्त विकार, असंतोष, उथल पुथल का समाधान क्या गायत्री मंत्र द्वारा हो सकता है? हाँ देवर्षि, अवश्य हो सकता है, केवल जनसाधारण को इसके बोध की आवश्यकता है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, नारायण नारायण। गायत्री मंत्र की महिमा असीम है, समय समय पर हमारे ऋषि मुनि इसका जप करते रहे हैं और इस मंत्र से होने वाले अद्भुत लाभ का वर्णन करते हुए उन्होंने इस मंत्र की महिमा का गान किया है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सद्बुद्धि बढ़ाने वाला हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला सब कष्टों को मिटाने वाला। करो साधना तन मन से दूर सभी संताप करो सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः सबने वांछित फल पाया। कलयुग में भी इसे सुमिर कर सब अपने अभिशाप हरो सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं काल चक्र से जब पीछे की ओर झांकता हूं तब मुझे उस महान ऋषि की छवि दिखाई देती है जिसने गायत्री मंत्र की साधना से अनेकों सिद्धियां प्राप्त की। उस महान ऋषि का नाम था विश्वामित्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।